करोगे। एलोवेरा जेल को अगर आप अपने स्किन में अप्लाई करते हो वो भी पिगमेंटेशन के लिए, तो कैसे जेल को जब हम स्किन पे यूज करते हैं वो भी पिगमेंटेशन में। एलोवेरा जेल को अप्लाई कर लिया, इसे पूरी नाइट के लिए छोड़ देना है ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल, मैं हूँ दीपिका। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपके स्किन में बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो गए हैं। पिगमेंटेशन की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन पिगमेंटेशन के लिए अगर आप एलोवेरा जेल को यूज़ कर रहे हो तो एलोवेरा जेल को आप सही तरीके से कैसे यूज़ करेंगे, आज इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहली बात हम ये जान लेते हैं कि जैसे एलोवेरा के फ़ायदे आप लोगों को पता है, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ दी है। एलोवेरा में बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे स्किन के हर प्रॉब्लम को रिड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि जब हम कोई भी चीज़ को यूज़ करते हैं, चाहे अपने स्किन पे चाहे अपने हेयर पे, लेकिन हर किसी का अपना अलग अलग तरीका होता है। कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं उसे यूज़ करने का सही तरीका होता है। अगर हम सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम रिड्यूस ही नहीं होंगी। जैसे हर चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ का सोल्यूशन अलग अलग होता है, उसी तरह हम जब कोई चीज़ को अपने स्किन पर अप्लाई करते हैं या फिर अपने स्किन के प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए कोई भी चीज यूज करते हैं तो उसका तरीका भी अलग ही होता है। तो जैसे एलोवेरा जेल हर स्किन के लिए, हर स्किन प्रॉब्लम के लिए सूटेबल होती है। जैसे आप सभी को पता है कि एलोवेरा जेल में बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं, हमारे स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। लेकिन एलोवेरा जेल को जब हम स्किन पे यूज करते हैं वो भी पिगमेंटेशन रिमूव के लिए, अगर ये सोचकर एलोवेरा जेल को अप्लाई कर रहे हो अपने स्किन पे कि हमारे जो पिगमेंटेशन है वो रिमूव हो जाए, तो उसका तरीका अलग है जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बहुत छोटी सी वीडियो है, कम टाइम में आप लोगों को मैं बताऊंगी कि कैसे आप यूज करोगे एलोवेरा जेल को। अगर आप अपने स्किन में अप्लाई करते हो वो भी पिगमेंटेशन के लिए, तो कैसे हम यूज करें। तो जैसे हम सभी को पता है कि एलोवेरा को वैसे भी हम यूज कर सकते हैं, अगर हमारे स्किन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रिंकल्स के लिए यूज कर रहे हैं या फिर डार्क स्पॉट्स रिमूव के लिए यूज कर रहे हैं या फिर एक्ने रिमूव के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसे हम सिंपली भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल भी हम एलोवेरा को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच के एलोवेरा जेल को अपनी स्किन पे अप्लाई करते हो कि हमारे स्किन से पिगमेंटेशन रिमूव हो जाए, तो उसका सही तरीका मैं आज बताने वाली हूँ। अगर आपने ये तरीका फॉलो कर लिया ना, तो आपके एलोवेरा जेल अप्लाई करने से आपके स्किन में 1 मंथ 15 डेज में आप देखना आपके कितने ज़्यादा रिजल्ट आते कितना। तो अगर ये वाली टिप्स आपने फॉलो कर लिया ना, तो 1 मंथ तक आपके जो पिगमेंटेशन है वो हाफ रिड्यूस हो जाएंगे। तो आपको ये कंटिन्यू करना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि एलोवेरा जेल को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। सबसे फर्स्ट नंबर में आपको एलोवेरा जेल लेना है। आप कोई सा भी एलोवेरा जेल ले सकते हो, अगर आप घर पे प्लांट से लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, अगर आप मार्केट से ले रहे हो वो भी ले सकते हो। जैसे कि आप पतंजलि के अच्छी एलोवेरा जेल ले सकते हो, पतंजलि का ले सकते हो, ममाअर्थ का ले सकते हो, वाव का ले सकते हो। आप कौन कौन से ब्रांड का एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो आप मेरे वीडियो देख सकते हो, मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। तो अभी मेरे पास एलोवेरा जेल है वो है प्योर रूट्स का, ये भी बहुत ज़्यादा यूज होती है और स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो आपको लेना है एक एलोवेरा जेल, जो अपने कंटेनर में आपने एक कंटेनर लेना है, उसमें 1 स्पून एलोवेरा जेल को आपको निकाल लेना है और उसके बाद आपको उसमें मिक्स करना है रोज वाटर। रोज वाटर 1 स्पून एलोवेरा जेल में आपको ऐड करना है, 1.5 स्पून आपको रोज वाटर ऐड करना है। अगर आप रोज वाटर के लिए आप ये पूछोगे कि इसके लिए कौन सी अच्छी ब्रांड है, तो जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो गुलाबरी का है रोज वाटर, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। एंड ये वाले हम टोनर भी यूज करते हैं, मेकअप में भी यूज करते हैं, फेशियल्स में भी यूज कर सकते हैं, ये हर तरह से यूज किए जाते हैं, बहुत अच्छा रोज वाटर है। गुलाबरी का आपको लेना है और कोई ब्रांड का नहीं, अगर आप इससे भी अच्छा कोई ब्रांड लेना चाहते हो बिल्कुल ले सकते हो आप। तो इन दोनों को आपको एक कंटेनर में ले लेना है, जितना क्वांटिटी मैंने बताया, 1 स्पून आपको लेना है एलोवेरा जेल, 1.5 स्पून लेना है आपको रोज वाटर, दोनों को कंटेनर में अच्छे से मिक्स करना है और आपको पूरे फेस में अच्छे से अप्लाई करना है। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको पूरे स्किन को अच्छे से साफ करना है, क्लियर करना है, क्लीन करना है, डस्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ हम जब अपने स्किन पे करते हैं ना, तो साफ़ सुथरे स्किन पे करना चाहिए। अगर आपके स्किन में ऑलरेडी पहले से ही डस्ट होंगे, तो ये जो आप टिप्स यूज़ करोगे ये आपके स्किन पे किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं करेगा। तो डस्ट आपको अच्छे से रिमूव करना है। उसके बाद इस पेस्ट को हम पूरे फेस में अप्लाई करेंगे, पूरे अच्छे से क्लीन करने के बाद फेस में अप्लाई करेंगे और साथ ही आपको मसाज भी करना है 2 मिनट का। 2 मिनट मसाज करने के बाद आपको ऐसे छोड़ देना है। आपने पूरे फेस में एलोवेरा जेल को अप्लाई
कर लिया, इसे पूरी नाइट के लिए छोड़ देना है। ये आपको डेली करना है, डेली आपको नाइट में ही करना है, डे में मॉर्निंग में आपको नहीं करना है। ये इसीलिए हमें ये डेली नाइट में करना है। डेली आपको कंटिन्यू 1 मंथ तक करना है। 1 मंथ करने के बाद अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको फ़ायदा ना हुआ हो तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है हमारे स्किन के टाइप्स ही अलग अलग होते हैं जो हमें जानना होता है, हमें स्किन टाइप्स के अकॉर्डिंग हमें अपने स्किन पर वर्क करना होता है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने 1 मंथ तक ट्राई किया। एंड बहुत सारे पिगमेंटेशन रिमूव के लिए बहुत सारे मैंने होम रेमेडीज भी दिए हैं, आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी दिए हैं, पार्लर से रिलेटेड भी वीडियो काफ़ी सारे दिए हैं। आप मेरे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप मेरे न्यू व्यूवर हो तो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। हो सकता है उनमें से आपको बहुत सारे रेमेडीज मिल जाए और आपके फेस के लिए बहुत ही अच्छा रहे, वर्क करे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यही थी कि आप एलोवेरा जेल को सही तरीके से कैसे यूज करोगे पिगमेंटेशन के लिए। अगर आप पिगमेंटेशन के लिए यूज कर रहे हो तो आपको सही तरीका पता चल गया होगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना एंड साथ ही बेल आइकन घंटी को प्रेस करके जाना, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।